हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन डॉक्टर वाई एस आठवा क्लासेस। ये वीडियो डियर टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी। टीचर्स के लिए इसलिए है कि उन्हें पढ़ाना है तो उन्हें ये आइडिया हो किस तरह से किस महीने में कितना कंप्लीट कराना है। स्टूडेंट्स के लिए ये कई बार ये कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है और क्या लेसन जो है हटाए गए हैं सिलेबस या कौन से लेसन हमें तैयार कर। तो इन सब बातों के लिए हमारे टीचर्स भाई और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंथली सिलेबस डिवीजन से आपको ये समझ में आएगा किस महीने में क्या टीचर्स को कवर कराना और आपके स्टूडेंट्स आपकी समझ में ये आएगा हमें क्या पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं मंथली सिलेबस डिवीजन इंग्लिश क्लास 11th 2023-24। आप देखेंगे एक मैट्रिक्स टेबल बनी हुई है, इसमें सीरियल नंबर 1 में अप्रैल महीना दिया है, ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, इसमें वोकैबुलरी में क्या क्या आना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन शायद, और ट्रांसलेशन। ये ग्रामर का पोर्शन हमें कवर करना है पढ़ाते समय और स्टूडेंट्स को पढ़ते समय। और इधर इसी महीने में लिटरेचर में क्या आना है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये लेसन है आपका। फिगर्स ऑफ स्पीच आप जानते हो, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमटोपिया, और एक पोएम, ए फोटोग्राफ। तो इस तरह से दो लेसन कवर करने हैं, दो ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स। चलते हैं मई महीने में। मई महीने में क्या है आपको लिटरेचर में क्या पढ़ना है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई। आपको पता है ये लेसन बड़ा ही एंटरप्राइजिंग लेसन है और इस लेसन को किसने लिखा है, ये हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा, द समर ऑफ ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। ये किस बुक से है बताइए, ये है आपकी स्नैपशॉट से, विलियम सैरोइन का लिखा हुआ ये सप्लीमेंट्री जो बुक है इसमें से ये। रीडिंग में आपको कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज, कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज का तात्पर्य हुआ कि आपको एक अनसीन पैसेज की तैयारी करनी हो तो आपको पता होना चाहिए। ये अनसीन पैसेज 15 मार्क्स का होता है, इसमें 3 मार्क्स ईच के 4 क्वेश्चन और जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, 1 मार्क ईच, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से 2 लेसन हमें यहाँ कवर करने हैं और एक रीडिंग रिलेटेड टॉपिक। जून की छुट्टियों के बाद हम जुलाई में जब आते हैं तो राइटिंग में क्या करना है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। जी हाँ, ये नोट मेकिंग एंड समराइजिंग या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग कीजिए। रिपोर्ट राइटिंग में किसी भी टॉपिक पर आप एक रिपोर्ट लिखिए। लिटरेचर में चलते हैं, द एड्रेस, यानी कि द एड्रेस नाम का ये जो लेसन है ये आपको करना होगा। द एड्रेस बड़ा ही मार्मिक लेसन है और इस लेसन के राइटर हैं, आपको पता है इसमें वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय की बात है, मार्गा मिंको के द्वारा ये लेसन रिटन है। इसके बाद द लेबरनम टॉप, ये एक पोइम है। लेबरनम टॉप बड़ी ही प्यारी सी कविता है, इस पोइम के रचयिता हैं टेड ह्यूज, ठीक है, इसमें एक चिड़िया की बात है प्यारी सी, है ना। इसके बाद बात करते हैं इस तरह से, इसमें 2 लेसन, 2 राइटिंग रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब अगस्त में जब आ जाते हैं हम लोग तो अगस्त में क्या है, ट्रांसलेशन, उसके बाद राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, और लिटरेचर में डिस्कवरिंग टट, पूरा लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज, A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन है। और द वॉयज ऑफ रेन, बड़ी प्यारी सी कविता है, बहुत प्यारी सी कविता है वॉयज ऑफ रेन, ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, ठीक है, वॉल्ट अमेरिकन पोएट थे ये बड़े जाने माने। इस तरह से सिर्फ 2 लेसन, 1 ग्रामर रिलेटेड टॉपिक और 2 राइटिंग रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, सितंबर में आते हैं। सितंबर में मदर्स डे, ये एक लेसन है मदर्स डे, हाँ भाई ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और सिंथेसिस, ये ग्रामर के बड़े बड़े पॉइंट हैं सितंबर में, बड़ा महत्वपूर्ण ये ग्रामर के टॉपिक हैं, इसमें एक लेसन, 2 ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी ग्रामर का बढ़िया टॉपिक, और एक लेसन है लिटरेचर में द एलिंग प्लैनेट, द एलिंग प्लैनेट नाम का जो ये लेसन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना समझना चाहिए, नानी पालखी वाला के द्वारा, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये है लेसन का पूरा नाम। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ जाती है अक्टूबर में, और अक्टूबर के बाद आते हैं नवंबर, नवंबर में बर्थ लिटरेचर में जो है चाइल्डहुड, द एडवेंचर, इतने सारे एक साथ हैं 3 लेसन, और ग्रामर में सिंटेक्स नाम का टॉपिक है, तो 3 लेसन एक ग्रामर रिलेटेड टॉपिक। दिसंबर में चलते हैं लिटरेचर में, टेल ऑफ ए मेलन सिटी, सिल्क रोड, फादर टू सन, इसके बाद रीडिंग रिलेटेड टॉपिक है, और रीडिंग में कंप्रिहेंशन एक्सरसाइज फिर से यहाँ करानी है, और राइटिंग में अब हम आते हैं
टॉप 10 नंबर के सीरियल नंबर पर जनवरी में क्या रह जाता है, राइटिंग में लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर सबका रिवीजन, एनुअल एग्जामिनेशन। तो टू राइटिंग रिलेटेड टॉपिक हमारे जनवरी में है, और फरवरी में आपका एवेल्यूशन वर्क होता है, और मार्च में 31 मार्च तक आपके रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से ये 11th की जो आपकी कन्फ्यूजन्स रहती है कि क्या पढ़ना है और कितना समय किसको देना चाहिए, ये सब यहाँ पे इस चार्ट से, इस मैट्रिक्स से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।